आज चुनाव आयोग ने आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके बाद आज पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। 19 अप्रैल को पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। 26 अप्रैल दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों के लिए मतदान होगा। 7 मई को तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों के लिए मतदान होगा। 13 मई को चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों के लिए मतदान होगा और 20 मई को पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों के लिए मतदान होगा। 25 मई को छठे चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों के लिए मतदान होगा और 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान 1 जून को 8 राज्यों के 57 सीटों के लिए होगा। साथ ही मतों की गिनती 4 जून को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि देश में 96.8 करोड़ वोटर्स हैं और 10 लाख से ज्यादा बूथ वोटिंग के लिए होंगे। राजीव कुमार ने कहा कि हमारे देश के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। उन्होंने कहा कि इस बार 1.8 करोड़ मतदाता पहली बार वोट करेंगे और कुल 21.5 करोड़ युवा वोटर्स होंगे। पुरुष मतदाताओं की संख्या 49.7 करोड़ है। चुनाव आयुक्त ने कहा कि भारत में चुनाव एक पर्व और देश का गर्व है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम चुनावों के लिए तैयार है। हम 2 साल से चुनाव की तैयारियां कर रहे थे।